गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी डेली क्लास होती है। आज डेट कौन सी भाई? आज डेट है 21 मई 2019। तो स्टार्ट करते हैं 21 मई 2019 के जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी कर लेना। आज डेट कौन सी भाई? आज डेट है 21 मई 2019 के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सुश्री राधा वेंकटर रमन को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, सुश्री राधा वेंकटरमन जी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। तो ये नियुक्त किया गया है इस्वातिनी जो देश है वहाँ का इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में समुद्री रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? जल्दी से बताइए, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है सिंगापुर में। कहाँ पर आयोजित की गई भाई? सिंगापुर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कार्ड पॉश स्वाइप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई, जल्दी से बताइए। तो ये हुई है 27% की वृद्धि, 27%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है, हाल ही में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म ने कांस में नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड जीता है? तो बताइए जल्दी से, किसने जीता है? तो ये जीता है सीड मदर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने मच्छर रोग संरक्षण नीति शुरू करने की घोषणा की है? तो बताइए भाई, किसने घोषणा की है शुरू करने की? तो ये है आपका HDFC इग्रो जनरल इंश्योरेंस ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाल ही में हिमालय दवा कंपनी का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विराट कोहली और ऋषभ पंत जी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारा है, हाल ही में पक्षी की तरह उड़ने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो बताइए भाई, कहाँ पर खोजी गई है ये नई प्रजाति? तो ये नई प्रजाति खोजी गई है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर एट हमारा है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जेफ्री रोशेन जी को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमारा है, हाल ही में 19वें न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो बताइए भाई, बाल अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है सनी पवार, ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में एक नई वाइन स्नेक प्रजाति खोजी गई है? तो बताइए भाई, नई वाइन स्नेक प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, किस राज्य में खोजी गई है? तो ये राज्य कौन सा है भाई? ओडिशा राज्य में ही इसकी प्रजाति खोजी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ हमारा है, हाल ही में SFRI ने यानी सफरी ने भारतीय स्क्वैश में सुधार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जल्दी से बताइए भाई। तो ये समझौता किया गया है HCL के द्वारा।
HC जो कंपनी है इसके द्वारा ये समझौता किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हाल ही में किस राज्य में चिंकारा वन्य जीव घोषित किया गया है? तो बताइए भाई कहाँ पर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है कर्नाटक में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कल के क्यूज के क्वेश्चन भी क्लियर करते हुए चलते हैं। कल के क्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन क्या थे भाई? हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के क्यूज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके इस क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। तो क्या है क्वेश्चंस, देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा भाई। तो इस क्लास की PDF आपको कुछ ही समय में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।